बहू आलिया और सास नीतू के बीच नहीं दिखता माँ बेटी वाला बॉन्ड। मिसेस कोहली अनुष्का भी नहीं होती सासू माँ के साथ स्पॉट। बहू ऐश्वर्या को बेटी और नवासी से पीछे रखती हैं जया बच्चन। तो दीपिका का सास के साथ नहीं दिखता प्यार वाला कनेक्शन। क्या करिश्मा और अमृता की तरह ही इन एक्ट्रेसेस का भी सास के साथ रहता है 36 का आंकड़ा? जी नहीं, बॉलीवुड की बहुरानियों का सास के साथ 36 का आंकड़ा रहने का इल्जाम हम नहीं लगा रहे हैं, बल्कि ये आरोप तो आए दिन इन हसीनाओं पर सोशल मीडिया यूजर्स लगाते रहते हैं। कहा जाता है कि आलिया भट्ट और ऐश्वर्या राय समेत कई एक्ट्रेसेस हैं जिनका अपनी सास के साथ 36 का आंकड़ा रहता है। आलिया भट्ट लिस्ट की शुरुआत होती है कपूर्स की बहुरानी आलिया भट्ट के साथ। यूं तो आलिया भट्ट को कपूर खानदान की बहू बने जुमा जुमा 1.5 साल का ही वक्त बीता है, लेकिन आलिया पर अक्सर लगता है सास नीतू कपूर को अकेला छोड़ने का इल्जाम। बीते दिनों नीतू कपूर ने बेटे रणबीर के साथ गणपति विसर्जन किया था और आलिया इस मौके पर मौजूद नहीं थी, जिसके बाद आलिया की ट्रोलिंग शुरू हो गई थी। तो लंदन में अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए भी आलिया पति रणबीर और मां सोनी राजदान के साथ पहुंची थी। मॉम नीतू के जन्मदिन पर भी रणबीर अकेले ही मां को सरप्राइज देने इटली गए थे और आलिया ने उन्हें वहां ज्वाइन नहीं किया था। इतना ही नहीं, आलिया की रैंप वॉक के दौरान भी नीतू अपनी बहू के साथ मौजूद नहीं थी। ऐसे में अक्सर कहा जाता है कि आलिया और नीतू कपूर के बीच रिश्ते कुछ खास अच्छे नहीं हैं। दोनों सास बहू एक दूसरे से खिंची खिंची रहती हैं। ऐश्वर्या राय और जया बच्चन के बीच खटपट की खबरें भी अक्सर आती रहती हैं। बीते दिनों बच्चन बहू ऐश्वर्या राय पेरिस फैशन वीक में हिस्सा लेने के लिए गई थी, तब जया बच्चन भी बेटी श्वेता के साथ पेरिस पहुंची थी। श्वेता ने खुद बेटी नव्या की रैंप वॉक का वीडियो शेयर करते हुए वहां से अपनी और मॉम जया की तस्वीरें भी शेयर की थी। हैरानी की बात तो ये थी कि श्वेता ने इन तस्वीरों में ना तो भाभी ऐश्वर्या और ना ही भतीजी आराध्या की कोई फोटो शेयर की। जया बच्चन भी अपनी बहू और पोती के साथ कहीं नजर नहीं आई, जिसके बाद से ही सोशल मीडिया यूजर्स लगातार जया बच्चन को ट्रॉल करने लगे थे। लोगों का कहना है कि जया बच्चन अपनी बहू ऐश्वर्या से चिढ़ती हैं, तो कुछ लोगों का मानना है कि सास जया और बहू ऐश्वर्या के बीच बिल्कुल भी नहीं बनती है। तो वहीं कुछ तो ऐसा भी कहते हैं कि जया का चिड़चिड़ा नेचर भी सास बहू के बीच मतभेद का बड़ा कारण है। अनुष्का शर्मा। विराट कोहली की मिसेस कोहली अनुष्का शर्मा को लेकर भी कुछ ऐसी ही बातें कही जाती हैं। जहां विराट और अनुष्का की लव स्टोरी फैंस की फेवरेट स्टोरी है, इनकी तस्वीरों पर फैंस जमकर प्यार लुटाते हैं, तो वहीं कुछ लोगों को अनुष्का का अपनी सास सरोज कोहली के साथ कभी ना दिखना भी बेहद खटकता है। बता दें कि विराट की मॉम क्रिमिनल लॉयर हैं और दिल्ली में रहती हैं। बेहद कम मौकों पर अनुष्का अपनी सास के साथ दिखी हैं। तो ऐसे में अक्सर लोग अंदाजा लगाते हैं कि सास सरोज और बहू अनुष्का के बीच भी 36 का आंकड़ा रहता है। दीपिका पादुकोण। इस लिस्ट में बाजीराव की मस्तानी दीपिका पादुकोण का नाम भी शामिल है। दीपिका और उनकी सास अंजू भवनानी का रिश्ता भी हमेशा नेटिजन्स के रडार पर रहता है। कहा जाता है दीपिका भी अपनी मदर इन लॉ अंजू भवनानी के साथ ज्यादा अच्छा बॉन्ड शेयर नहीं करती हैं, जिसके चलते इनके रिश्ते पर भी तानों के निशाने साधे जाते हैं। अमृता सिंह। सैफ अली खान की एक्स वाइफ अमृता सिंह और उनकी सास शर्मिला टैगोर के बीच रिश्ते कितने खराब थे, ये सच किसी से नहीं छिपा है। जब सैफ और अमृता ने रातों रात शादी की थी, तब इसकी खबर सैफ ने अपने अम्मी अबू को नहीं दी थी। मंसूर अली खान पटौदी और शर्मिला ने अमृता को अपनी बहू के तौर पर भी नहीं अपनाया था। तो वहीं तलाक के बाद सैफ ने इल्जाम लगाया था कि अमृता अक्सर अपनी सास और नंदो को गंदी गंदी गालियां दिया करती थी। करिश्मा कपूर। करिश्मा कपूर की शादीशुदा जिंदगी भी बेहद विवादित रही थी। तलाक केस की सुनवाई के दौरान करिश्मा ने न सिर्फ पति संजय कपूर बल्कि सास पर भी संगीन आरोप लगाए थे। करिश्मा ने खुलासा किया था कि जहां संजय ने उन्हें मेंटल और फिजिकल टॉर्चर किया था, तो वहीं सास ने भी कई बार उन पर हाथ उठाया था। ब्यूरो रिपोर्ट E24।